रामकथा करते हैं, लेकिन रामकथा के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और एक व्यक्ति विशेष के लिए वोट देने के लिए उन्होंने कहा, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा है। लेकिन किसी भी संत को या किसी भी बड़े साधु को सिर्फ अपने धर्म की बात करना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी का राजनीतिक प्रचार करना मैं नहीं समझता कि उचित है। देखिए, अब ऐसा है कि महाराज जी जो हैं हमारे गुरु हमेशा ही होते हैं, तो वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वे जेल में भी रहे आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो चूँकि उस समय जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी, और उसी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो जब उस समय कोई दूसरे थे ही नहीं, तो इसलिए चूँकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बाद में कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस ही लड़ रही थी लड़ाई, वो उस समय तो जो भी उसमें शामिल थे सब कांग्रेसी कहलाते थे, कोई भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय सेवक स्वयंसेवक संघ तो लड़ाई लड़ नहीं रहे थे आज़ादी की। अब एक चीज़ देखिए कि जैसे उनको हमारे ज़िले में लाया गया, अब ज़िले की गतिविधियों के बारे में या अपने खुद का प्रचार करने के लिए किसी को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि उनसे शायद ये कहलवाया गया होगा कि साहब ऐसा